खबर बलिया जनपद से है, जहां केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, तीन तलाक को लेकर भले ही सख्त कानून बनाए गए हों, लेकिन तीन तलाक का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसका नजारा बलिया जनपद के गढ़वार थाना क्षेत्र के शिकारिया में देखने को मिला, जहां शिकारिया की रहने वाली नाजिस बेगम का निगाह कुतुबुद्दीन उस्मानी के साथ 2018 में मऊ जनपद के रामपुर थाना के ढिलाई फिरोज में हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद पति के विदेश जाने के बाद परिवार में विवाद हो गया और विवाद के बाद विदेश से ही पति ने अपनी पत्नी को फोन पर तीन बार तलाक 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 बोल दिया। उसके बाद कई बार पीड़िता गढ़वार थाने पर गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिसको लेकर आज पुलिस अधीक्षक से अपनी गोद में 2 साल की मासूम को लेकर गुहार लगाई है। अपनी गोद में 2 वर्ष के मासूम को लिए प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाने आई ये बेबस महिला नाजिस बेगम है, जिसके जीवन में उसके पति ने तीन तलाक नाम का जहर फैला दिया है। पीड़िता की माने तो निकाह के कुछ दिन बाद पति कुतुबुद्दीन उस्मानी के साथ हंसी खुशी से रहे, लेकिन 3 महीने बाद पति कुतुबुद्दीन उस्मानी विदेश चले गए। उसके बाद नाजिस बेगम अपने मायके चली आई और कुछ दिन बाद नाजिस अपने ससुराल गई थी। पति के फोन से बात होती रहती थी कि सास और ननद मिलकर उसे परेशान करने लगे थे। उसके ननद का लड़का सैफ उस्मानी उससे जोर जबरदस्ती करने लगा था। जब यह सारी बात अपने पति को बताई तो पति ने वहां से फोन कर धमकी देते हुए अपनी ही पत्नी को फोन पर 3 बार तलाक 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 बोल दिया। इस घटना की सूचना जब पीड़ित महिला गढ़वार थाना पर गई, लेकिन गढ़वार थाने में भी पीड़ित महिला को न्याय नहीं मिला, तब बेबस होकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक बलिया से गुहार लगाई है। वही नाजिस बेगम के पिता एक ट्रक ड्राइवर है। नाजिस बेगम की 4 बहन है, जिसमें 2 बहन की शादी हो गई है, अभी 2 बहनों की शादी करनी है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि महिला ने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि परिजनों द्वारा उसको परेशान किया जाता है। इस संबंध में थानाध्यक्ष महिला को निर्देशित किया गया है कि जांच करें, अगर सत्यता पाई जाए तो नियमानुसार कार्रवाई करें। बलिया जनपद से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नाजिस बेगम। कहाँ की रहने वाली है जी? कौन सा थाना है? गढ़वार। कहाँ पे आपकी शादी हुई थी? किस जनपद में पड़ता है? कौन सा जिला पड़ता है? मधुबन, मऊ में पड़ता है। क्या मामला हुआ है? अभी एसपी महोदय के पास आई है। सर, मेरा शादी हुआ 8 तारीख 2018 में, और हमारे आदमी बस 3 महीने हमारे साथ में रहे, उसके बाद चले गए। और मेरी कहाँ गए थे? कतर चले गए। और मेरी ननद, मेरी सास मुझे बहुत परेशान कर रही, और मेरा एक ननद का लड़का है, वो मेरे साथ छिड़खानी कर रहा है, हाँ, उल्टा सीधा काम करने कर रहा। उसके बाद मेरा आदमी वहाँ से फोन करके धमकी दे रखा, रहती बोल दे कि तुमको नहीं रखेंगे, तलाक तलाक बोल दे। कब बोले आपको और कितने दिन हो गए अभी? 28 तारीख 27 महीने 2020 जी बोले। क्या बोले हैं? वहाँ से हम गए थे तो झगड़ा लड़ाई करके हमको 12 तारीख को वहाँ से झगड़ा लड़ाई करके उसके बाद हमको 18 तारीख को भगा दिए सब। जब हम यहाँ पे हम आए हैं तो शाम को 7 बजे फोन किए, उसके बाद बोले तुमसे मतलब नहीं रहेगा कोई, और 3 बार तलाक तलाक करके यहीं पर फिर मेरे पास फोन ऑन नहीं करे। फोन पर ही तलाक दिए थे? हाँ, फोन पे भी बोले। कितने फोन पर? कैसे? क्या बस इतना ही बात बोले कि तुमसे मतलब नहीं रहेगा और तुमसे बात उतनी नहीं करेंगे, तलाक तलाक 3 बार करके उसके बाद फिर फोन ऑन नहीं। जी, तो यह कितने दिन कितने समय की बात है और कितने दिन हो गए अभी तक? भाई 28 तारीख को आए थे 27 महीने 2020 अपने घर पे, उसके बाद फोन ऑन नहीं आया। जी, कब आपको फोन किए थे और कब तलाक बोले थे? वहाँ से आए थे हम 28 तारीख का, तभी 7 बजे फोन किए थे। 28 तारीख, कौन सा महीना था? 7वां महीना था। 7वां महीना था। कब आपको तलाक दिए? शाम को 7 बजे यहाँ का टाइम, 28 तारीख को शाम को 7 बजे फोन पर आपको तलाक तलाक दिया। इतने दिन से आप कहाँ थी? सर, हम अपने गढ़वार थाना पे कई बार गए तो कोई सुनवाई नहीं हुआ जी, हाँ, इसीलिए हम यहाँ पे आए। क्या बोले आपको गढ़वार थाने पे? बोले तो कि ठीक है, सूचना डाल देंगे, उसके बाद कोई बात ही नहीं हुआ जी। तो अभी वहाँ पे मुकदमा नहीं दर्ज किया गया, तब आप? तब हम यहाँ पे आए। किसके यहाँ आई है? किसके यहाँ? क्या आश्वासन मिला अभी आपको? वो बोले ठीक है, हम फोन करके बताएंगे। बताए, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्ची है। एक बच्ची है। कितने साल की है? 2 साल की। कब हुई थी?
2018 में हुई थी, बारह महीना में। तो आप कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं, कहाँ रह रही हैं? किस भाई अपने घर पे रह रहे हैं, मेरे पापा एक गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, माता पिता के साथ रहते हैं। हाँ, तो गाड़ी चलाकर आपका भी भरण पोषण करते हैं। चाहते कि वो हमको यहाँ से निकले, हमको अच्छे से रखे, और क्या चाहते पति के साथ अपने परिवार के साथ सकुशल रहने चाहते। लेकिन लेकिन तलाक देने के बाद कैसे आपको रखेंगे? अच्छा, फिर उसके बाद कोई बात हुई आपको? नहीं, जब जब तलाक किया दिए आपको, कोई बात नहीं, मेरा इंगो व्हाट्सएप सब ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिए। ये बताइए कि मोदी जी ने एक कानून लागू किया था जिसमें ट्रिपल तलाक जो है उसको मान्यता नहीं दी जा रही है, तो आप उसको अभी जो आपके हालात है जो आपके साथ हुआ उसको लेके क्या सोचते हैं? अब सर वो आने के बाद वो क्या करें, तब कर में रहते हैं उसको, तुम 2018 में ही उसको तलाक दे चुके हैं सर, अभी फोन पे तलाक हुई है, क्या सर मामला है? एक महिला ने आके यहाँ पर अभी प्रार्थना पत्र दिया है और उसमें लिखा है कि उसको ससुराली जनों द्वारा परेशान किया जाता है। इस संबंध में थानाध्यक्ष महिला को निर्देशित किया गया है कि इसमें जांच करें और यदि सत्यता पाई जाए तो नियमानुसार अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई करें।